पहले तो मैं सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और यही कहना चाहूंगी कि दिवाली के दिनों में जो खूबसूरत दिए जलते हैं हम सबके घर में, उस दिए की रोशनी पूरे साल रहे, खुशियाँ पूरे साल रहे हम सबके घर में, और गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस इन एवरीबडीज होम्स। वेल, दिवाली में बहुत से लोगों को जलाया है, फटाके फोड़ फोड़ के अपने आप को भी बहुत इंजर किया है, लेकिन दिवाली मेरे लिए बचपन में बहुत ही खूबसूरत रहा करती थी, क्योंकि मेरी दादी माँ जो इस दुनिया में नहीं है और पूना में रहते थे, अभी 12-13 साल हुए वो दुनिया में नहीं है, लेकिन एक रूल होता था कि दिवाली हम या तो पूना में उनके साथ बिताएंगे या वो हमारे यहाँ बॉम्बे में, या हम सब फैमिली महाबलेश्वर जाएंगे दिवाली मनाने। और पता है ना, दादी माँ और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको इतना स्पॉइल करते, तो हम हमेशा अपने पॉकेट मनी को जमा करते थे ताकि हम दादी माँ के साथ जाके फटाके खरीदें। तो हर साल दादी माँ ऑफकोर्स एक्स्ट्रा पैसा डाल के ज़्यादा फटाके खरीदते हमारे लिए। लेकिन एक साल शायद जब मैं 10-11 साल की थी, तो सुबह हम तैयार हुए, नहा धो के रेडी हुए और दादी माँ ने बोला चलो अब जा रहे हैं अभी फटाके खरीदने के लिए, और मैंने एक लिफाफा बनाया था, उसमें पूरा पॉकेट मनी डाल दिया और मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि फटाके फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। एंड वो इतने गर्व से, इतने खुश हुए और उन्होंने गर्व से कहा कि बेटा दिस इज़ द मोस्ट करेक्ट थिंग यू हैव डन। और उस साल से लेके हर साल वो भी जो देते थे मुझे और जो भी पॉकेट मनी मिलता था मैं कलेक्ट करके दे देती थी, और फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड्स बिकॉज माई ग्रैंड मदर वॉज सो प्राउड ऑफ दिस एक्ट, आई ऑलवेज गिव इट टू एन ओल्ड एज होम और यू नो अडॉप्शन होम और अनाथ आश्रम, सो आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट।